हनुमान जी बेनीवाल और सातपुरी में से कोई पंच भी नहीं रहा आज तक। मेरे सामने विराजमान मेरे माता पिता तुल्य जो लोग आए हैं आज देते हैं मुझे आशीर्वाद देने के लिए, उन लोगों को प्रणाम करूंगा नतमस्तक होके। मंच पर मंचा सिंह आदरणीय अशोकराज जी खुनिया साहब और राजस्थान के कई सरपंच कई नेता जो बड़े भाई के रूप में मेरे साथ पधारे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। मेरे साथ सभी साथी जो मेरे संघर्ष के साथी जो आए हैं वो तो वैसे ही मेरे संघर्ष के भागीदार हैं, तो उनका धन्यवाद मैं जीवन भर कर नहीं पाऊंगा, उनका जीवन भर मैं ऋणी रहूंगा। मेरे को आज बड़ा गर्व हो रहा है कि जहां जन्म हुआ था वहां कुछ बन के आया हूं, वो बन के आप लोगों के आशीर्वाद से आया हूं। आप लोगों का आशीर्वाद हमेशा, आपकी दुआएं और आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। जो भी मेरे गांव के मेरी ढाणी के मेरे आस पड़ोस के गांव के मेरे रिश्तेदार मेरे परिवार के लोग एक तरीके से मानूं तो पूरा नागौर जिला ही मेरा परिवार है। राजस्थान के प्रदेश के कोने कोने से संघर्ष में लोगों ने मजबूती से मेरा साथ दिया था, उन लोगों को भी आज मैं मेरे गांव के मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहूंगा। मुझे नहीं पता था मेरे गांव के अंदर इतना बड़ा मंच इतनी बड़ी जाजम लगा रखी है। मैं हमेशा सड़क पर रहकर संघर्ष किया था। मैंने जब मैं 12वीं पास करके राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर गया था तो उस दिन से किसान परिवार से गांव ढाणियों से जो लोग आते हैं उनके बच्चे आते थे वहां संघर्ष करते थे, उनके साथ बड़ा अन्याय देखने को मिला। उस दिन मैंने ठान लिया कि निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय और जो भी गांव के डाणियों के परिवारों के किसान परिवारों के गरीब परिवारों के जो लोग आते हैं उनकी लड़ाई तेरे को मजबूती से लड़नी, उनकी आवाज को बुलंद करना है। तो उस दिन माता पिता का आशीर्वाद लेके परिवार के लोगों का आशीर्वाद लेके मैंने ठान लिया था और सड़क पर उतर गया था संघर्ष करने के लिए। मैं पिछले काफी समय से 2-3 घंटे सो पा रहा हूं, लेकिन नागौर जिले के लोगों का आदेश था कि भाई जल्दी से जल्दी नागौर के अंदर आना होगा। मैंने कहा मुझे थोड़ा आराम करने का तो समय दे दीजिए कि नहीं फिर पूरे राजस्थान के अंदर तुझे जाना है, समय पे गांव आ जा, गांव घर परिवार वालों का आशीर्वाद लेके चला जा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नागौर जिले के चाहे किसी भी पार्टी के एमएलए रहे हो, चाहे जिला प्रमुख जी रहे हैं, चाहे सरपंच रहे पार्षद रहे हैं, सभी में मेरी बिना पार्टी देखे अपना मानते हुए अपना बेटा अपना भाई मानते हुए उसी का फल है कि आज मैं छात्र संघ अध्यक्ष बन के राजस्थान का सबसे बड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय है जिसका छात्र संघ अध्यक्ष नागौर जिले का तीसरा छात्र संघ अध्यक्ष बना हूं। हनुमान जी बेनीवाल और महेंद्र चौधरी के बाद में आप लोगों के आशीर्वाद से आपका बेटा अध्यक्ष बन के आया है। मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ा था। आम परिवार से एक मिडिल क्लास परिवार से मास्टर का बेटा था, पिताजी का तो कोई पंच भी दोस्त नहीं था। मीडिया वाले मेरे से सवाल करते हैं के कोई परिवार में से राजनीति करता है क्या, तो मेरी एक ही बात होती है मेरी सात पीढ़ी में से कोई पंच भी नहीं रहा आज तक। पर आज जब मैं आया मेरे ग्रामवासियों ने मेरे परिवार मेरा गांव मेरा परिवार है, जब आप लोग जयपुर में आओगे आपके बेटे को याद करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ मजबूती से खड़ा मिलूंगा और आपके काम में आपकी जहां भी आपकी आवाज कमजोर होगी। किसी भी भाई बहन को जयपुर राजधानी के अंदर पढ़ना है और यदि उनके संसाधनों में कोई कमी आ रही है तो आप अपने बेटे को अपने भाई को आधी रात को भी याद करना। मैं पूरी जी जान के साथ मेरी टीम राजधानी के कोने कोने में आपको मदद करने के लिए मिलेंगे, चाहे हॉस्पिटल में चले जाना चाहे बैंक में चले जाना। मेरे ऊपर इतने लोगों ने आशीर्वाद रखा है कि वो जीरो शिक्षो तक मेरे को संघर्ष करते हुए जिस व्यक्ति ने देखा राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर वो आज मेरा नाम लेने पर राजधानी के अंदर प्रत्येक छात्र छात्रा का कार्य करते हैं। मेरे माता पिता को डर लगता था कि बेटा आपका नाम परिवार से आते हैं लोग दबा देंगे कुचल देंगे,
मैं हमेशा उनको भरोसा दिलाता था कि आपके बेटे को आपने इतने अच्छे संस्कार दिए कि कोई उसको दबा नहीं पाएगा, कोई उसको कुचल नहीं पाएगा। चुनाव दो गुणी तक आपके साथ मैदान में आई। मैं हमेशा मेरी टीम के जो लोग थे इस राजस्थान की 200 विधानसभा है, 200 विधानसभा से मेरे टीम के मेंबर आते हैं, प्रत्येक जाति के, प्रत्येक समाज के, प्रत्येक धर्म के लोग मेरे साथ हैं और मजबूती से हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। जब जब मेरा कमजोर समय आया है तो मेरे गांव के भी कई मेरे भाई लोग, मेरे रिश्तेदार भी, मेरे परिवार के लोग भी मेरे को मजबूती देने के लिए राजधानी के अंदर आए। इसी का फल आज है कि मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ। मेरा एक ही सपना है कि नागौर जिले के कोने कोने से आने वाले प्रत्येक स्टूडेंट को मैं उस राजधानी के अंदर शिक्षा दिलाने का हक, जहां उनके कमजोर होगा वहां मैं उनको मजबूती दूंगा। बस आप लोग इसी प्रकार से मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना। जब ये पूरा गांव, जब मेरा ये पूरा परिवार एक जगह मुझे दिखा तो मुझे बड़ी शक्ति प्रदान हुई। पहले मुझे डर लग रहा था गांव में चलूंगा तो गांव वाले कैसे आशीर्वाद देंगे, कैसे नहीं देंगे, पर आज देख के मुझे लग रहा है कि वाकई में आप लोगों ने ठान लिया, आप लोग इसी प्रकार आशीर्वाद रखोगे तो मैं प्रदेश की राजधानी में नहीं, आपके गाँव का, देश की राजधानी में नाम रोशन करूंगा। आप लोग इसी प्रकार से आशीर्वाद रखना। मैं आगे भी हमेशा आप लोगों के जो भी भाई बहन राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने लिखने के लिए, राजधानी में जो पढ़ने लिखने के लिए जो भी स्टूडेंट आएगा, हमेशा उनके साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। धन्यवाद, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग अपने अमूल्य समय निकाल के मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए। धन्यवाद।